ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनसे इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता और वे इंस्टाग्राम चलाना सीखना चाहते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम कैसे यूज करते हैं। आई एम श्योर गाइज, ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करने से लेकर एडवांस लेवल सेटिंग तक आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो गाइज, वीडियो लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। तो इंस्टाग्राम, तो गाइस सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और प्ले स्टोर पर जो इंस्टाग्राम का ऑफिशियल ऐप है आपको वो इंस्टॉल करना होगा। अगर आप पीसी पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पर इसके मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं प्ले स्टोर पर जाता हूँ और प्ले स्टोर पर जाना है आपको, सर्च बार में टाइप करना है इंस्टाग्राम, तो आपके पास इसका जो ऑफिशियल ऐप है वो आ जाएगा। 32 MB का साइज़ इसका, 104 मिलियन रिव्यूज़ है और 1 बिलियन प्लस इसके डाउनलोड है। तो आप देख सकते हो गाइज, इसका काफ़ी सारे डाउनलोड से काफ़ी यूज़र है। तो चलिए गाइज, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो गाइज, जैसे कि हम जानते हैं कि इंस्टाग्राम के यूज़र काफ़ी हो गए हैं और आजकल फेसबुक से ज़्यादा इंस्टाग्राम लोग बाग यूज़ करने लगे हैं। तो गाइस इंस्टॉल हो गया, चलिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस आपको यहाँ पर, तो गाइस आप अपने, अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट है तो आप यहाँ पर फेसबुक से भी इसमें लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन विद फेसबुक पे क्लिक करके, तो जो इसके लिए गाइस यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका, तो गाइस यहाँ पर आपको अपना फेसबुक का अकाउंट डालना होगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और फेसबुक पासवर्ड, तो जो आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ। या अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर साइन अप विद ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर डाल दोगे, ठीक है, या यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस से भी इसमें साइन अप कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेता हूँ, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हम अपना फुल नेम डाल देंगे, यहाँ पासवर्ड एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है, उसमें अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल करेक्टर होना ज़रूरी है अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चाहते हो। कंटिन्यू एंड सिंक कॉन्टेक्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट्स की परमिशन मांग रहा है तो यहाँ पर आप इसको एक्सेस अलाउ कर देंगे। यहाँ पर गाइस हमको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली ये यूज़र नेम आ जाएगा। यहाँ से अगर आप अपना यूज़र नेम को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर चेंज यूज़र नेम पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यूज़र नेम को डाल सकते हो। तो चलिए गाइस, मैंने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एक यूज़र नेम को सेलेक्ट कर लिया है। तो फाइंड फेसबुक फ्रेंड्स टू फॉलो, यहाँ से आप इसको फेसबुक से कनेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर स्किप पर क्लिक करके स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पर हमको अपना प्रोफाइल फ़ोटो ऐड करना है, तो चलिए गाइस मैं यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से आप फेसबुक से भी इम्पोर्ट कर सकते हैं या अपने कैमरे से भी ले सकते हैं या अपनी लाइब्रेरी से भी चूज़ कर सकते हो। तो चलिए गाइज, मैं यहाँ से लाइब्रेरी से चूज़ कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, क्रॉप योर फोटो। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर हमारा जो प्रोफाइल फोटो है वो ऐड हो गया है, यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। तो गाइज यहाँ पर कुछ सजेशंस में आएगा जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, तो चलिए मैं यहाँ से फॉलो कर लेता हूँ। नेक्स्ट करेंगे, तो गाइज जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है
वो क्रिएट हो चुका है। अब बात करेंगे गाइस इसमें क्या क्या फीचर्स है, कैसे आप इसमें अपनी पोस्ट को डालेंगे, कैसे आप स्टोरी को ऐड करेंगे, कैसे आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो, तो ये सब कुछ बताने वाला होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंस्टाग्राम से रिलेटेड, क्योंकि गाइज इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड अकाउंट क्रिएट करना मैंने बता दिया है कैसे करते हैं। अब इसकी एडवांस सेटिंग में हम जाएंगे और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हो, कैसे टेम्परेरी डिसेबल कर सकते हो। तो गाइज अगर आप कोई स्टोरी ऐड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर योर स्टोरी का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे अलाउ करेगा तो गाइज यहाँ से आप फोटो क्लिक कर सकते हो और काफ़ी सारे इसमें फिल्टर्स मिल जाते हैं, आपको इसमें काफ़ी सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं। तो भाई इस तरीके से आपको काफ़ी सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं तो आप अपनी फ़ोटो में ऐड कर सकते हो। अगर आप कुछ टाइप करना चाहते हो अपनी स्टोरी में, यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे और आप यहाँ टाइप कर सकते हो जो भी आप टाइप करना चाहते हो। यहाँ से आप गाइस इसका फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, काफ़ी सारे इसमें फॉन्ट्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ से आप इसका डिफरेंट कलर्स में लिख सकते हो टेक्स्ट को, इसकी यहाँ से अलाइनमेंट सेट कर सकते हो इसका। अगर आप अपनी स्टोरी को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो उसको। तो ये जो आपका फोटो होगा ये सेव हो जाएगा आपकी गैलरी में। यहाँ पर इसको सेंड पर क्लिक करोगे तो जो आपकी स्टोरी है वो यहाँ शेयर हो जाएगी। यहाँ पर हमको करना होगा शेयर योर स्टोरी, ठीक है, डन। तो जो हमारी स्टोरी है वो गाइस क्रिएट हो गई है, यहाँ से हम दे सकते हैं अपनी स्टोरी को। गाइस नई स्टोरी लगाने के लिए हमको जस्ट यहाँ पर इसको राइट साइड स्क्रॉल करना होगा, यहाँ से हम फिर से नई स्टोरी लगा सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे कि क्रिएट, बूमरैंग, लेआउट, सुपर जूम, हैंड्स फ्री, क्लोज। तो गाइज आपको काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो गाइज आजकल बूमरैंग बहुत यूज हो रहा है तो आप यहाँ से इस बूमरैंग भी तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर ये जो हमारा बूमरैंग है ये क्रिएट हो गया है। तो काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं आजकल। यहाँ पर इसको हम सेंड कर सकते हैं, अगर किसी फ्रेंड्स को हमको सेंड करना है तो यहाँ से हम अपने क्लोज फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। अगर हम अपनी स्टोरी पे लगाना चाहते हो तो यहाँ पर शेयर पे क्लिक करेंगे, देन डन। तो जो हमारी स्टोरी पे ये शेयर हो जाएगा बूमरैंग। आप अपने इसमें वीडियोस भी बना सकते हो, शॉर्ट वीडियोस भी बना सकते हो। एंड गाइस अगर आप दूसरे पर्सन को सर्च करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सर्च बार में आना है। सर्च बार में आपको जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ अपना दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट, तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। और अगर आप किसी को फॉलो करना चाहते हो यहाँ से फॉलो पर क्लिक करोगे फॉलो कर सकते हो और यहां से मैसेज कर सकते हो उसको। तो इस तरीके से आप चैटिंग कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी को फॉलो कर सकते हो। अगर आप किसी को ब्लॉक करना चाहते हो इंस्टाग्राम पर तो आपको गाइज यहां पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहां पर आप रिपोर्ट कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो और हाइड योर स्टोरी। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट से स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट से अपनी स्टोरी को भी हाइड कर सकते हो। यहां से किसी का प्रोफाइल यूआरएल को कॉपी करना चाहते हो यहाँ से कॉपी कर सकते हो और शेयर दिस प्रोफाइल। अगर इस किसी प्रोफाइल को आपको शेयर करना है तो आपको यहाँ पर शेयर दिस प्रोफाइल पर क्लिक करके आप अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर कर सकते हो बहुत आसानी से। और यहाँ से ब्लॉक पर क्लिक करोगे तो वो कॉन्टेक्ट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा इसमें जैसे यहाँ ब्लॉक पर क्लिक करता हूँ तो ब्लॉक, तो ये अब ब्लॉक हो गया है गाइस। अनब्लॉक करने के लिए आपको जस्ट उसी प्रोफाइल पर जाना है, यहाँ पर अनब्लॉक पर क्लिक करके उसको अनब्लॉक कर सकते हो। या फिर आप प्रोफाइल फोटो पर आएगा, यहाँ पर अपने प्रोफाइल पर आएगा
यहाँ थ्री लाइन पे क्लिक करोगे, सेटिंग पर आओगे और यहाँ पर आपको जाना है प्राइवेसी में। प्राइवेसी में गाइस आपको यहाँ पर ब्लॉक अकाउंट्स, तो जितने भी ब्लॉक अकाउंट है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, जितने भी आपने ब्लॉक कर रखे हैं कॉन्टेक्ट को, तो यहाँ से भी आप उनको अनब्लॉक कर सकते हो। जस्ट अनब्लॉक पर क्लिक करोगे, अनब्लॉक ओके, तो वो कॉन्टेक्ट जो होगा अनब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हो किसी को, यहाँ से सर्च कर सकते हो किसी फ्रेंड्स को। एंड गाइज यहाँ पर आप प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे तो आप कोई भी प्रोफाइल फ़ोटो को यहाँ से अपने गैलरी में से शेयर कर सकते हो। जस्ट आपको प्रोफाइल फ़ोटो सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ से आपको काफ़ी सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप फिल्टर्स ऐड कर सकते हो। यहाँ नेक्स्ट करेंगे, देन गाइज यहाँ पर आप कुछ कमेंट्स लिखना चाहते हो, यहाँ कमेंट्स लिख सकते हो। यहाँ पर आप पीपल को टैग कर सकते हो, जो भी आपके फ्रेंड्स है उनको टैग कर सकते हो। यहाँ पर अपनी लोकेशंस को ऐड कर सकते हो, तो गाइज यहाँ से आप अपनी लोकेशन को टैग कर सकते हो। अगर आप इसको फेसबुक पे पोस्ट करना चाहते हो, मतलब अगर आप कोई भी पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक पे भी पोस्ट हो जाए, तो आपको यहाँ से इसको इनेबल कर देना है, स्विच ऑन करेगा। तो इसके लिए आपका जो फेसबुक का अकाउंट है वो लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ट्विटर भी कर सकते हो, यहाँ से आप फेसबुक को स्विच ऑन करना होगा, ट्विटर को भी स्विच ऑन। अगर आप ट्विटर पे भी सेम पोस्ट को पोस्ट करना चाहते हो, यहाँ से इसको स्विच ऑन कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको शेयर पे क्लिक करना है, जो आपकी प्रोफाइल, जो भी आपकी प्रोफाइल हो, जो भी आपका फ़ोटो है, पोस्ट है, वो पोस्ट हो जाएगी। और यहाँ से आप किसी के फ़ोटो को लाइक कर सकते हो, तो यहाँ से कमेंट कर सकते हो गाइस, कमेंट करना चाहते हो लाइक दिस, किसी की भी पोस्ट पर भी आप इस तरीके से कमेंट कर सकते हो। यहाँ से इसको हम शेयर कर सकते हैं अपनी स्टोरी पे किसी की भी पोस्ट को। तो इस तरीके से गाइस आपको ये इसका यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो काफ़ी ईजी है। यहाँ से आप लाइक डिसलाइक का ऑप्शन नहीं होता गाइज, इसमें लाइक का ही होता है। यहाँ पर अगर आप हार्ट का आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप सजेस्टेड आ जाएगा कुछ फ्रेंड जिनको आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ से आपको एक्टिविटी, किसी ने आपके फ़ोटो को लाइक किया, कमेंट किया, तो आप यहाँ से, या फॉलो किया किसी ने आपको, तो वो यहाँ से आप उसको देख सकते हो। यहाँ पर आप अपने प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो चलिए गाइज यहाँ से मैं अपनी एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से हम अपना यहाँ से हम अपने प्रोफाइल फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को चेंज कर सकते हो, चेंज प्रोफाइल फ़ोटो, न्यू प्रोफाइल फ़ोटो, इंपोर्ट फ्रॉम फेसबुक, रिमूव प्रोफाइल फ़ोटो, यहाँ से रिमूव कर सकते हो, फेसबुक से इंपोर्ट कर सकते हो, और न्यू प्रोफाइल फ़ोटो लगाना चाहते हो तो यहाँ से लगा सकते हो। न्यू प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो गाइज आप यहाँ से अपनी गैलरी में से सेलेक्ट कर सकते हो जोन से भी आप चेंज करना चाहते हो, फिल्टर्स वगैरह ऐड कर सकते हो बहुत आसानी से। यहाँ से अगर आपकी कोई वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, तो वो उसका लिंक आप यहाँ डाल सकते हो, वेबसाइट का लिंक। यहाँ से आप अपनी बायो लिख सकते हो, आपको अपनी बायो अट्रैक्टिव कैची बायो लिखनी होगी, अपने बारे में लिख सकते हो। तो गाइज यहाँ से आप अपने बायो लिख सकते हो, तो आपको अपनी बायो काफ़ी अच्छी तरीके से लिखनी होगी गाइज, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो कर सके। यहाँ से गाइज आपको दो ऑप्शन और मिल जाएंगे, नीचे देखोगे तो स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेटिंग। तो यहाँ पर आपको अगर प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करना है, मतलब अगर इससे बेनिफिट ये होगा आप अपने फ़ोटोज़ को प्रमोट कर सकते हो, वीडियोज़ को प्रमोट कर सकते हो, मतलब अगर आप अपने प्रोफाइल फ़ोटो को प्रमोट करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स बढ़ाना चाहते हो, तो आप यहाँ से उनको प्रमोट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक करोगे तो गाइज यहाँ से आपको क्रिएटर बिजनेस, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन, अगर आप क्रिएटर हो या बिजनेस के पर्पज़ से प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से सेलेक्ट करोगे। जैसे मैं यहाँ क्रिएटर हूँ तो मैं क्रिएटर पर क्लिक करूँगा। अगर आप बिजनेस के पर्पज़ से करना चाहते हो तो आप बिजनेस सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से मैं क्रिएटर से चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ नेक्स्ट करोगे, यहाँ से आप अपनी कैटेगरीज को सेलेक्ट करोगे, ब्लॉगर हो,
चेफ हो, कोच हो, कॉमेडियन हो, कंसल्ट टूर हो, डांसर हो, डिज़ाइनर, डिजिटल क्रिएटर, डीजे एडिटर, एंटरप्रेन्योर, फैशन डिज़ाइनर, फैशन मॉडल, फिल्म करेक्टर, फिल्म डायरेक्टर, फिटनेस मॉडल, फिटनेस ट्रेनर, गेमर, गेमर वीडियो क्रिएटर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, ग्राफिक डिज़ाइनर, तो काफ़ी सारी आपको यहाँ पर कैटेगरीज मिल जाएगी। स्पॉन्सर पर्सन साइंटिस्ट वीडियो क्रिएटर, तो चलिए गाइस मैं यहाँ वीडियो क्रिएटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से डिस्प्ले कैटेगरी लेबल, तो यहाँ से आप अपनी लेबल को भी डिस्प्ले करना चाहते हो तो इसको स्विच ऑन कर देगा, देन क्लिक ऑन द डन। देन गाइस आपकी जो प्रोफाइल फोटो है वहाँ पर प्रमोट का आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। तो देखते हैं गाइस यहाँ पर हमको हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है, प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ से गाइस देख सकते हो प्रमोशंस इनसाइड, तो यहाँ से अगर हमारी हर एक प्रोफाइल पर देख सकते हो यहाँ पर एक ऑप्शंस मिलेगा प्रमोट, तो यहाँ से हम अपने प्रोफाइल फ़ोटो को प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए गाइस हमको अपने अपने फेसबुक अकाउंट, इसके लिए गाइस हमारा फेसबुक अकाउंट होना ज़रूरी है। यहाँ पर हम फेसबुक अकाउंट को क्रिएट करना होगा हमको, अगर आपका है पहले से तो लॉगिन कर लीजिए। तो इस तरीके से हम अपने फोटो, अपने प्रोफाइल को, अपने किसी भी वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जिसके लिए हमको पैसे देने होंगे। तो गाइस अगर आप दूसरी की स्टोरीज आपको यहां से मिलेगी आप सबसे ऊपर, इस तरीके से आप स्टोरीज को दे सकते हो दूसरों को, यहां से आपको फॉलो कर सकते हो। यहाँ से आपको एक कैमरा का आइकन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करके अपनी स्टोरीज को ऐड कर सकते हो। लाइव करना है तो आप यहाँ पर लाइव पर क्लिक करोगे, यहाँ आप लाइव आ सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको स्टोरी कोई लेआउट में बूमरैंग, सुपर जूम, हैंड्स फ्री, तो काफ़ी सारे इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से इस तरीके से आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से आप अपने क्लोज फ्रेंड्स को सेंड कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ या स्टोरी पे लगा सकते हो। यहाँ से आप जैसे इसको स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पर गाइस आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ से आप अपने अपने मूड के हिसाब से लगा सकते हो। जैसे घर पर हो, लोकेशंस, मेंशन, हैशटैग लगाना चाहते हो लगा सकते हो, म्यूज़िक अपने प्रोफाइल पे म्यूज़िक लगा सकते हो इस तरीके से। यहाँ सेलेक्ट करेगा तो गाइस यहाँ से आपको काफ़ी सारे पोल लगाना चाहते हो, यहाँ से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो पोल। तो आप ये काफ़ी सारे इंस्टाग्राम यूज़र को देखते होंगे कि ये लगाते हैं अपने इंस्टाग्राम पर, तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। एंड देन गाइस आप यहाँ पर थ्री लाइन पे क्लिक करोगे, सेटिंग पर आओगे, तो यहाँ पर आप अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर अकाउंट पर आओगे, अपनी एक्टिविटी देख सकते हो, जो भी आपने सेव किया यहाँ देख सकते हो, क्लोज फ्रेंड्स, लैंग्वेज, लिंक अकाउंट, मोबाइल डेटा यूसेज, तो यहाँ पर आप इसको डेटा सेवर पे स्विच ऑन कर दीजिए, आपका डेटा जो होगा वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। पोस्ट यू हैव लाइक, तो आप को वे सारी पोस्ट यहाँ दिख जाएगी जो आपने अभी तक लाइक करी है। यहाँ से ओरिजिनल पोस्ट देख सकते हो, लैंग्वेज आपको गाइज यहाँ पर काफ़ी सारी लैंग्वेज मिल जाएगी, तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो। देन गाइज अगर आप यहाँ पर सिक्योरिटी पर आओगे तो आप यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे पासवर्ड, यहाँ से आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको करंट पासवर्ड डालना है और आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड एंटर करना है, फिर दोबारा से वही न्यू पासवर्ड एंटर करना है, तो जो आप पासवर्ड है वो यहाँ चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप जब भी कर सकते हो पासवर्ड चेंज, जब अगर आपको पुराना पासवर्ड पता है।
लॉगिन एक्टिविटी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो लॉगिन एक्टिविटी है वो आ जाएगी, लोकेशंस आपने किस मोबाइल पर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन किया है और लोकेशंस, ठीक है। यहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप हमेशा ऑन करके रखिए, सिक्योरिटी के लिए आपके अच्छा है। यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन स्विच ऑन करके, देन गाइज यहाँ पर आपको 6 डिजिट का एक कोड जनरेट करना होगा, तो वो कोड आप जनरेट कर सकते हो। तो गाइज आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हमेशा इसको ऑन रखिए। यहाँ से सर्च हिस्ट्री देख सकते हो, अपनी प्राइवेसी पाओगे तो गाइज आपको यहाँ पर इंटरेक्शन में कॉमेंट्स आ जाएगी, कमेंट्स यहां से आप कमेंट्स कंट्रोल कर सकते हो अपनी, अलाउ कमेंट्स फ्रॉम, जिससे भी आप अपनी पोस्ट पर किस किस से कमेंट्स को अलाउ करना चाहते हैं। पीपल्स यू फॉलो एंड योर फॉलोवर्स, अपने फॉलो जिनको तुम फॉलो करते हैं और फॉलोवर्स को अलाउ करना चाहते हो तो यहां से इनको सेलेक्ट कर लेंगे, पीपल यू फॉलो जिनको तुम फॉलो करते हैं या केवल तुम्हारे फॉलोवर्स ही कर सकते हैं, तो यहां से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस यहां से मैं इसको एवरीवन पर सेलेक्ट कर सकता हूँ कि हर कोई मेरे पोस्ट पर कमेंट कर सकता है। ब्लॉक कमेंट्स फ्रॉम, यहाँ से किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट से आप अपने कमेंटेटर्स को ब्लॉक कर सकते हो। यहाँ से अपनी ऑफेंसिव कमेंट्स को हाइड कर सकते हो, मतलब अगर कोई भी ऑफेंसिव कमेंट्स करता है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी। यहाँ से टैग्स में आप किनको टैग्स में कौन कौन आपको टैग्स में ले सकता है, यहाँ से आप एवरीवन पे सेलेक्ट कर सकते हो, अपने फॉलो जिनको तुम फॉलो कर सकते हो या नो वन, किन किन से आप टैग्स अलाउ करना चाहते हैं। स्टोरी आप यहां से स्टोरी को भी मैनेज कर सकते हो अपनी, हाइड स्टोरी फ्रॉम, अगर आप किसी से हाइड करना चाहते हो यहां से उस कॉन्टेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो तो आपकी स्टोरी उस हाइड हो जाएगी उनसे। यहां से गाइज आप अलाउ मैसेज रिप्लाईज किनको अलाउ करना चाहते हैं मैसेज रिप्लाई को, यहां से एवरीवन पीपल यू फॉलो ऑफ, तो आपको ये यहाँ से अपनी प्रोफाइल अपनी जो स्टोरीज मेंशन टैग्स कमेंट्स को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो। यहाँ से रेस्ट्रिक्टेड अकाउंट ब्लॉक अकाउंट्स, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ यहाँ पर आपके जितने ब्लॉक अकाउंट है वो यहाँ से आप उनको अनब्लॉक कर सकते हो और उनको देख सकते हो। म्यूटेड अकाउंट्स को यहाँ से देख सकते हो, अगर आपने किसी अकाउंट को म्यूट कर रखा है। अकाउंट्स यू फॉलो, यहाँ से आप अपने फॉलोइंग को देख सकते हो, कितने लोगों को आपने फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने फॉलोवर्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी अकाउंट बनाया तो 2 लोगों ने मुझको फॉलो किया, तो यहाँ पर आपके फॉलोवर्स दिख जाएंगे, यहाँ पर आपकी फॉलोइंग दिख जाएगी जितने को भी आपने फॉलो कर रखा है। तो ये था प्राइवेसी में। तो यहाँ से गाइज आपको जैसे मेरे टू हार्ट आया तो प्रीटी, तो यहाँ पर मेरी ये प्रोफाइल फोटो जिन्होंने लाइक किया तो यहाँ पर इस तरीके से दिख जाएगा। अगर आप गाइज अपने अकाउंट को लॉग आउट करना चाहते हो तो यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो। नाउ गाइज अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, सिंपली आपको यहाँ पर आप प्रोफाइल पर क्लिक करना है, यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करना है, सेटिंग पर जाना है, सेटिंग पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प पर जाना है, हेल्प सेंटर पर क्लिक करना है, तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे इसकी वेबसाइट पर। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है एक ऑप्शन को मैनेज योर अकाउंट, यहाँ देख सकते हो ये यहाँ मैनेज योर अकाउंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन मिलेगा 2nd नंबर पर डिलीट योर अकाउंट, तो आप इस पर क्लिक करना है आपको। अगर आप टेम्परेरी डिसेबल करना चाहते हो तो 1st वाला सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करना अगर आप अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो तो आपको 2nd वाला यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करके तो 1st नंबर पर आपको मिल जाएगा डिलीट योर अकाउंट, तो आप यहाँ पर डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। देन गाइज आप इसकी वेबसाइट पर आ जाओगे, यहाँ से गाइज आपको इस पर लॉगिन करना है अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को, फिर से फोन नंबर यूजर नेम या ईमेल आईडी एंड देन पासवर्ड एंटर करना है। तो चलिए गाइज मैं यहाँ पर अपना फटाफट इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। सो गाइज इस तरीके से हमारे पास एक पेज ओपन होगा, हमको यहाँ से एक रीज़न को सेलेक्ट करना होगा कि हम अपना अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी एक
रीज़न को सेलेक्ट कर ले गए। अगर आप बहुत बिजी हो या डिस्ट्रेक्टिंग हो रहे हो तो ये वाला फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर ले गए, वांट टू रिमूव सम थिंग्स, प्राइवेसी कंसर्न है, टू मैनी एड्स, एड्स आते, क्रिएट अ सेकेंड अकाउंट, तो यहाँ से मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप इसमें से कोई से भी ऑप्शंस को सर्च कर सकते हैं, देन आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको मिल जाएगा टू कंटिन्यू, प्लीज़ री एंटर योर पासवर्ड। कंटिन्यू करने के लिए हमको अपना पासवर्ड को यहाँ पर री एंटर करना होगा। तो चलिए यहाँ से मैं अपना पासवर्ड को एंटर कर देता हूँ। देन गाइस आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा परमानेंट डिलीट माई अकाउंट, तो यहाँ से डिलीट माई अकाउंट पर क्लिक करके ये कह रहे कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर अकाउंट, ओके पर क्लिक करेंगे, योर अकाउंट हैज़ बीन रिमूव। तो गाइस जो हमारा अकाउंट है वो रिमूव हो गया है, जो हमारा अकाउंट है वो डिलीट हो गया है परमानेंटली। तो चलिए गाइस मैं इस पर अपना लॉग इन करके देखता हूँ अपने अकाउंट पर। इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ मैं, तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। अगर मैं इसमें दोबारा से लॉग इन करना चाहता हूँ तो ये लॉग इन नहीं होगा इस तरीके से, गाइस ये एरर आएगा। तो अब हमारा अकाउंट ये परमानेंटली डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से हम अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, परमानेंटली डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप डिसेबल करना चाहते हो तो आपको वहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन डिसेबल माई अकाउंट, टेम्परेरी डिसेबल माई अकाउंट पर क्लिक करके अपने अकाउंट को डिसेबल कर सकते हैं। उससे आप फ़ायदा यह होगा आपके जो पोस्ट होगी, प्रोफाइल होगी, कमेंट्स होगी, लाइक्स होगी, वो हाइड हो जाएगा। तो गाइज़ इस तरीके से हम इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। ये था इंस्टाग्राम के बारे में। तो गाइज़ मैंने इसमें आपको सारी डिटेल्स में बता दिया है कि इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट, स्टोरीज़ को, अपने पोस्ट को कैसे डालते हैं, लाइक्स कैसे करते हैं, कमेंट्स कैसे करते हैं, अपने अकाउंट्स को मैनेज कैसे करते हैं, यहाँ तक कि डिलीट कैसे करते हैं अपने अकाउंट को, ये भी बता दिया है। अगर आपके मन में कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो देखा गाइस कितना ईजी है इंस्टाग्राम को यूज़ करना। आई एम श्योर गाइस अब इंस्टाग्राम में आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने इसमें आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड ए टू जेड सारी सेटिंग्स बता दी है। गाइस अगर आपके मन में अभी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसी के साथ मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।